रण ऑफ कच्छ में ऑपरेशन दक्षिण शक्ति का शानदार वॉर एक्सरसाइज किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में सेना के तीनों विंग हिस्सा ले रहे हैं। जंग के मैदान में दुश्मनों को उसकी औकात दिखाने और बताने के लिए रण ऑफ कच्छ में बड़ा युद्धाभ्यास किया गया, जिसे दक्षिण शक्ति का नाम दिया गया है। इस वॉर एक्सरसाइज में एरियल अटैक, हेलीबोन ऑपरेशन और स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। दक्षिण शक्ति के इस युद्धाभ्यास में करीब 30,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया है। पाकिस्तान के करीब सीमा पर भारतीय सेना रण ऑफ कच्छ के दलदली और समुद्री इलाकों में अपनी क्षमता को परखने में जुटी है। इस अभ्यास के जरिए थार के रेगिस्तान से लेकर कच्छ के रण तक युद्धाभ्यास किया गया। ये युद्धाभ्यास दूसरे युद्धाभ्यासों से काफी अलग है। इस युद्धाभ्यास में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा तटरक्षक बल BSF के साथ ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस को भी शामिल किया गया। इस दौरान इंटेलिजेंस ऑपरेशन का भी अभ्यास किया गया। दक्षिण शक्ति का मकसद सभी को जोड़ते हुए इनके बीच के तालमेल को परखना था। माना जा रहा है कि कोरोना काल के बाद भारत की यह सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को थल सेना की दक्षिणी कमान ने आयोजित किया था। देश में सेना के तीनों अंग यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना की साझा कमान बनाने पर जोरों से काम चल रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।